हम आगे बढ़े, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे आप आगे बढ़े, हम तुम्हारे साथ हैं। हम सबसे बजी आजाद आप आगे बढ़े, हम तुम्हारे साथ हैं। अब मुझे काशी राम साहब अमर है, मुझे काशी राम साहब अमर है, मुझे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर है, अमर है, अमर है, अमर है, अमर है। हमने बीमार जी के जीत पहुंचे, मेरे बड़े भाई आदरणीय चंद्रशेखर जी का आशीर्वाद करता हूँ कि वो अपने विचार भाई जब हमारा टेम्परेचर खूब खूब हाई हो जाए ना तो हमें रोके हमें वो माइक चाहिए था। जय भीम, आवाज कहाँ तक आ रही है एक बार बता दे। ठीक है, शुक्रिया। परम पूजनीय बोधिसत्व विश्व रतन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तथागत बुद्ध सदगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, ज्योतिबा फूले, पैरियर साहब, बिरसा मुंडा, जननायक कपूरी ठाकुर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवा, शहीद उधम सिंह, शहीद भगत सिंह, मेरे रहबर, मेरे आदर साहब काशीराम और उनको मिशन में लाने वाले माननीय दीना भाई दीना महाराज वाल्मीकि जी को नमन करते हुए अपनी बात की शुरुआत करूंगा। दो महल ऐतिहासिक दिन, जैसे मेरा छोटा भाई अभी बता रहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेके और 2018 दो पर्यंत ऐसा कोई आंदोलन इतिहास में नहीं हुआ। हमने राजनीतिक दलों के आंदोलन सुने थे कि उन्होंने महंगाई को लेके, भ्रष्टाचार को लेके भारत बंद बुलाया, लेकिन अपने डंडे के बल पे, अपने दम पे पहली बार हमने देखा कि भारत बंद होता। और भारत बंद उन लोगों ने किया जिन लोगों को ये कहा जाता है कि ये हमारा घास काटने वाले लोग, ये हमारे गोबर उठाने वाले लोग, ये हमारे यहाँ दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग, ये हमारे जूते साफ करने वाले, जूते बनाने वाले लोग, ये हमारे गाय को चलाने वाले लोग भारत बंद करेंगे। तो 11 बजे तक पूरे देश में मजाक बन रही थी, बताओ ये भी भारत बंद करेंगे। लेकिन जब 12 बजे के बाद जिधर देखो एक ही खबर आई कि बंद 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 बंद, और 2-3 बजे पता लगा कि पूरा भारत ही बंद हो गया, तो लोगों को पता लगा कि जिंदा कौम जो है आज भी इस देश में अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना जानती है। मुझे गर्व है इस कौम पे, इस समाज पे, भोजन समाज पे कि इन्होंने अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़के दिखाई। जो लोग शहीद हुए वो तो अमर हुए, उनके जो परिवार हैं वो भी समाज में जो है एक बहुत मजबूत स्तंभ उन्होंने काबिज कर दिया। जैसा मैंने कल बताया कि एक परिवार ने भी ये नहीं कहा कि यार हमारा बच्चा भी संगठन के काम में या आंदोलन में चला गया, सबने कहा कि हमारा बच्चा शहीद हुआ और एक के साथ दूसरे बच्चे को भी समाज के लिए शहीद होने के लिए दे देंगे। लेकिन हम मिशन रुकना नहीं चाहिए, हम अपने अधिकारों की लड़ाई को लड़ते रहना चाहिए। तो मुझे एक और बार गर्व हुआ कि यहाँ बलिदानियों की बड़ी कद्र होती है, यहाँ त्याग करने वालों की बड़ी कद्र होती है। मैं जो कहना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि अगले 20 मिनट जितने साथी यहां पंडाल में मौजूद हैं वो मेरे द्वारा कही भी एक एक बात को सुने, और अगर उन्हें लगता है कि इनका भाई कुछ कह रहा है और ये जरूरी है होना तो उस पर अमल करें। जैसा मेरे भाई ने भी बताया और आप सब लोग जानते हैं कि 2 अप्रैल को हमने भारत बंद किया, वो लोग कहां से आए जिन्होंने भारत बंद किया? क्या किसी के द्वारा भेजे गए थे या उनको कोई पीड़ थी? वो लोग थे जो इस देश में मन बना चुके हैं कि अब अपने हक अधिकारों की सुरक्षा के लिए हमें घर से बाहर निकलना पड़ेगा।
तो जब हम भारत बंद कर सकते हैं तो क्या हम भारत चला नहीं सकते? अगर हम भारत बंद कर सकते हैं तो हाथ भागे बताओ, क्या भारत चला नहीं सकते? चला सकते नहीं चला सकते? आवाज नहीं आ रही। क्या कर सकते हैं? चला सकते हैं। तो जो लोग भारत को चला सकते हैं आज भी वो दूसरों की मेहरबानियों पे हाथ पसारे ऐसे खड़े हैं कि सरकार हमें कुछ दे दे, सरकार हमें कुछ दे दे, सरकार हमें कुछ दे दे। यार मेरी समझ में एक बात नहीं आती, जो खुद देने वाले हैं, जो खुद बहुजन समाज है, 85% लोग हैं, बहुजन समाज का इतना बड़ा तबका है, इतनी आबादी है, इतने संसाधन है, वो आज भी देश में क्यों मांग रहे हैं? नौकरी दे दो, रोजगार दे दो, शिक्षा दे दो, मकान दे दो, जमीन दे दो। अरे मालिक तो तुम हो और मांग दूसरे से, ये कहां का न्याय है भाई? ये कौन सा इतिहास है? आपको समझना पड़ेगा। बाबा साहब ने शिक्षा एक हथियार दिया और बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा श्रेणी का वो दूध है जो पिएगा उधार है, और उन्होंने ये साबित भी करके दिखाया। इस देश में संविधान लिखने के लिए लाखों लोगों की आबादी थी, क्या कोई लिख पाया? लिख पाया कोई? किसके पास आना पड़ा वापस? जब यहां से नेहरू और उनकी टीम ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास गई और लंदन जाकर उन्होंने कहा कि साहब हमारा संविधान लिख दो, तो उन्होंने कहा मूर्खो, तुम पे तो एक ऐसा महाविद्वान है कि वो तो हमारे यहां का संविधान दोबारा लिख दे, तुम हमारे पास घूम रहे हो, जाओ बाबा साहब अम्बेडकर के पास जाओ और वो तुम्हारा संविधान बहुत कम समय में लिख देगा। तो मैं तुम्हें इतना बता देना चाह रहा हूं कि बार बार तुम्हें आके जगाते हैं लोग, बाबा साहब ने जगाया, ज्योतिबा फूले ने जगाया, फैजियत साहब ने जगाया, नारायण गुरु ने जगाया और हमारे वैभव साहब काशीराम ने जगाया, लेकिन इतने जगाने के बावजूद और तुम लोग जाग भी गए हो, फिर कहीं ना कहीं कुछ कमी रहेगी कि हम लोग जो सपना बाबा साहब ने देखा था कि बहुजन समाज इस देश का शासक बने, बहुजन समाज का झंडा दिल्ली की गद्दी से लहरा जाए, तो 70-72 साल की आजादी के बाद भी अगर वो झंडा नहीं लहरा रहा है तो उसमें मेरा दोष नहीं है, क्योंकि मैं आपकी तरफ सामाजिक अधिकारों की सुरक्षा और आपकी शारीरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी लिए बैठा हूं। तो जो लोग राजनीति कर रहे हैं ये लोग उनका दोष होता है, मेरा दोष नहीं, लेकिन मैं एक वादा करने के लिए आ रहा हूं कि इस बार का तो मुझे पता नहीं, मेरी पूरी हिम्मत है, पूरी मेहनत है, पूरा संघर्ष है कि बहुजन समाज का झंडा दिल्ली की गद्दी पर लहरा जाए, लेकिन अगर कोई चूक रहेगी और मैं जिंदा रहा तो जवाब देता हूं कि 2024 में तुम्हारा झंडा किसी के बाप में जब नहीं, जो दिल्ली गलती से रोक दे, जवान जाए राजस्थान में आए, राजस्थान क्रांति धरा है। अब ये कारण क्या है ये तुम्हें समझना पड़ेगा। हमारे यहां यूपी में कहावत है कि चोर को ना मारो, चोर की मां को मारो। समस्या कहां है उस समस्या को खोलो और उस समस्या खत्म कर दो, तो मेरे हिसाब से दोबारा ना समस्या पैदा होगी और ना तुम लोग गुलाम बनोगे। पहले एक लाइन में जवाब दे दो, क्या गुलाम बन के मरना पसंद करोगे? नहीं। मैं तुम्हें कहावत सुनाता हूं, एक सर छोटू राम हुए जाट समाज में, बड़े गौर से सुनना, ओबीसी समाज के लोग भी हमारे बीच बैठे बैठे, सर छोटू राम और उनके साथी एक जाट भाई की शादी में चले गए और वो गांव जो है वो ब्राह्मणों का गांव था, जाट भी रहते थे उसमें, तो गलती से पालकी ले गए दूल्हे के लिए और दूल्हे को पालकी में बिठा के कुछ दूर कि भाई हमारा सम्मान है, दूल्हा जब इसकी बरात में है तो ले चले। ये बात पूरे हिम्मत से कह रहा हूं, जिसको बुरा लगे लगे, जिसको कोई और कार्रवाई करवानी करवाए, सच कहने का दम रखता है चंद्रशेखर तो कहेगा। ये बात ब्राह्मणों को बड़ी नागवार गुजरी, क्योंकि उस समय संविधान नहीं था, गैर बराबरी थी, तो जब ये उन्हें नागवार गुजरी तो उन्होंने कहा पंचायत कर ली गांव में कि सारे बरातियों को 5-5 जूते लगेंगे। इन्होंने ये ऐसा कैसे किया, इनकी हिम्मत कैसे उस जाटों की कि भाई ये दूल्हे को ऐसे घोड़ी में सम्मान से लेके आ रहे हैं, तो 5-5 जूते तो खा गए होंगे, लेकिन जब वापस लौटे
तो सब लोग अपने अपने घर चले गए, लेकिन सर छोटू राम ऐसे परेशान से बैठे हुए थे। तो कुछ लोगों ने पूछा कि भाई क्या हुआ, तो सर छोटू राम ने एक बात कही, बड़े गौर से सुना कि बताओ जूते खा के महंगा पसंद करोगे लड़के महंगा पसंद करोगे। ये सवाल सर छोटू राम ने अपने लोगों से पूछा कि जूते खा के महंगा पसंद करोगे लड़के महंगा पसंद करोगे। तो उनके लोगों ने कहा यार मरना तो है, आज नहीं तो कल सबको मरना है, तो जूते खा के क्यों मरे। तो उन्होंने कहा आप कमर कस लो, अब हम जूता नहीं खाएंगे, अब अगर कोई हमारे समाज का मान सम्मान अपमान स्वाभिमान का छेड़खानी करेगा तो उसका इलाज कर देंगे। ये कहने के लिए मैं तुम्हें आया हूँ कि अगर तुम्हें कोई घोड़ी से रोकने का काम करे, मुझे रखने में सताने का काम करे, या तुम्हारे लोगों को जुल जाती करे, तो जालिम के आगे चुप रह के उनका हौसला मत बढ़ाना। एक बार भी जिंदगी अगर कोई तुम्हारे स्वाभिमान सम्मान में बाधा उत्पन्न कर तो उसका ऐसा इलाज करना उसकी पीढ़ियों को भी याद रख करे, उसकी पीढ़ियों को भी याद रहे किसी से मुकाबला हुआ। ये संविधान हमें आजादी देता है और ये संविधान हमें सेल्फ डिफेंस की भी आजादी देता है कि अगर कोई हमारा अपमान करे, हमें मारने पीटने की कोशिश करे, तो हम उसका इलाज करे। तो पहले जिन लोगों ने मिशन मूवमेंट चलानी है पहले वो सैनिक बने। कोई भी संगठन तब तक नहीं चलेगा जब तक उसमें अनुशासन नहीं होगा, और जब आप में अनुशासन आ जाएगा तो मैं लिख के देता हूं सफलता निश्चित मिलेगी। और ये भी जान लो कि बाबा साहब ने तुम्हें गीता पढ़ने के लिए नहीं कहा, बाबा साहब ने तुम्हें एकमात्र ग्रंथ दिया है। अगर सम्मान स्वाभिमान और अधिकारों की लड़ाई को लड़ना चाहते हो तो इस देश में लिखे गए संविधान को पूर्ण रूप से पढ़ो। बाबा साहब ने जो नारा दिया ना कि शिक्षित बनो, वो शिक्षित बनने का मतलब ये नहीं है कि बेसिक नॉलेज ले लो, दसवीं बारहवीं ग्रेजुएशन करके पोस्ट ग्रेजुएशन करके घर बैठ जाओ। उन्होंने कहा कि संविधान को पढ़ो और अपने हक अधिकार को जान लो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने हक अधिकार जान जाता है तो उसके हक अधिकार को छीन नहीं सकता है। तो मैं नौजवान साथियों को इतना ही कहना आया हूं, अगर चाहते हो सम्मान का जीवन जीना और इस देश में अपने हक अधिकार को लेना तो भैया संविधान को पढ़ो। संविधान तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए लिखा है, तुम्हारे डीएनए में है, तो तुम्हारे दिमाग में भी होना चाहिए। जब कोई अधिकारी कर्मचारी तुम्हें बताए और तुम पे जुल्म जाती कर तुझे बताना कि तुम अगर आज नौकरी कर रहे हो तो बाबा साहब के संविधान की वजह से कर रहे हो, और तुम जनता के नौकर हो, मालिक नहीं हो, सरकार के एजेंट भी करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ यहां इतना कहने के लिए आया हूं कि 2 अप्रैल को हमने आंदोलन किया, बहुजन समाज में बलिदान दिया और अपने अधिकारों को सुरक्षित किया। फिर जातिवादी जजों द्वारा 13 पॉइंट रोस्टर लागू कर दिया गया। फिर हमारे लोगों ने SC ST ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों ने जब शिक्षा के दरवाजे बंद करने का काम इन लोग सरकार ने न्यायपालिका के माध्यम से किया, तो हमारे लोगों ने फिर भारत बंद बुलाकर 5 मार्च को भारत बंद करके दोबारा से अध्यादेश लाने के लिए सरकार को मजबूर किया। तो मेरी समझ में एक बात आ गई पूर्ण रूप से, ये सरकार हमारी एकता से डरती है। तो मैं राजस्थान में कहने के लिए आया हूं मेरे साथियों कि चुनाव खत्म हो जाएगा, लोग अपने घर चले जाएंगे, राजनेता अपने घर बैठ जाएंगे, लेकिन आपको घर नहीं बैठना है। जैसे चुनाव खत्म हो जाएगा मई में, तो जून में मैं यहां कम से कम 2 दिन के लिए आऊंगा और पूरी टीम को मिला के कैडर करूंगा और 15 दिन का समय रखूंगा। हम अपने अधिकार को लेना जानते हैं। जो ये कह रहे हैं कि सरकार की जगह पर मुकदमे वापस हो जाए, तो मैं आपको ये बताने आया हूं, सरकार आप लोग बनाते हैं, आप लोग वोट देंगे, क्योंकि 85% वोट आपके पास है, सरकार आप बनाते हैं, सरकार के गले में हाथ डाल के और ये मुकदमे वापस करवाने के लिए हम लोग जो है जून में आंदोलन करेंगे और राजस्थान को एक नहीं 50 बार बंद कर देंगे अगर हमारे मुकदमे वापस नहीं हो। आपको हौसला करना पड़ेगा, आपको ताकत दिखानी पड़ेगी और आपको बताना पड़ेगा कि देश हमसे है, हम इस देश के शासक हैं। मैंने अपने घरों पर लिखवाया, भीम आर्मी के माध्यम से कहलवाया कि जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो हमें इस देश का शासक बनना, उस सपने को रोज देखो, अपने घरों पे, अपने मकानों में, अपने फोन पे, अपनी किताबों पे, सब जगह लिख दो कि हमें इस देश का शासक बनना है और उस सपने को पूरा करने के लिए जी जान लगा दो। क्या हमारे मान सम्मान सम्मान से बढ़कर भी कोई चीज हो सकती है? क्या सम्मान से बढ़कर कोई चीज हो सकती है? अगर सम्मान से बढ़कर कोई चीज नहीं तो सम्मान की कीमत नहीं हो सकती है। तो मैं यहां इतना बता देने के लिए आया कि मैं एजेंट हूं,
लेकिन बाबा साहब का मैं जंटू साहब तीरा मारा वाल्मीकि का और मैं जंटू अपने रावत साहब का श्री राम का और जब तक जिंदा हूं बहुजन मिशन में जुड़ूंगा बहुजन मिशन में मानूंगा और बहुजन समाज का बाबा साहब का श्री राम का सपना पूरा करने के लिए एक दिन नहीं एक एक घंटा एक मिनट लगा दूंगा लेकिन चुपचाप नहीं बैठूंगा क्योंकि बाबा साहब ने हमें कहा साहब का श्री राम ने हमें कहा कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को रुक में नहीं देते। अब ये मुझे बताओ क्या तुम लोग मुर्दा हो जिंदा हो दोनों हाथ उठा के बताओ जो लोग जिंदा है तो जिंदा हो तो अपने हक अधिकारों के लिए संघर्ष करो। अब संगठन और मूवमेंट पर कुछ बातें हो जाए मातृशक्ति यहां बैठी मेरी बहनें यहां बैठी है जब तक इनको बराबर की हिस्सेदारी नहीं मिलेगी कोई भी मूवमेंट नहीं चल सकती। आपको इनकी ताकत को समझना पड़ेगा हम इनसे पैदा हुए अगर हमारे लगों में जो खून बहता है इनके दूध के रूप में हमने पिया तो मां बहनों का सम्मान करो उनको आगे बढ़ाओ बहन अगर पढ़ना चाहते उनको पढ़ाओ और अगर जब तक जी रहे हो इस एहसान को मत भूलो तुम चाहे कितने मजबूत हो जाओ कितने बड़े हो जाओ चाहे डीएम एसएसपी कमिश्नर एसडीएम कुछ ही बन जाओ लेकिन रहोगे बेटे ही मां के तो मां का सम्मान करना सीखो बाप का सम्मान करना सीखो ये समाज में सबसे ज्यादा जरूरी है। अपने महापुरुषों का सम्मान करना सीखो और चित्र के साथ चरित्र को पकड़ो जो बाबा साहब का आश्रम और हमारे सारे रहबर कह गए उसको पकड़ो उस लाइन पे चलो मिशन पे चलो। साहब का आश्रम ने जो आंदोलन हम साहब का आश्रम चलाते थे मैं लोगों से पूछ लेता हूं तो बड़ी बहकी सी बातें करते हैं। मैं पूछता हूं साहब कौन सा आंदोलन चलाते थे कोई कहता है प्रधानमंत्री बनने का कोई कहता है मुख्यमंत्री बनने का कोई कहता है एकजुट करने का तो मैं नौजवानों को बताने के लिए साहब का आश्रम सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का एक आंदोलन चलाते थे। वो एक जानते थे कि बिना जब तक सत्ता तो परिवर्तन हो जाएगी लेकिन जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगी जब तक गैर बराबरी रहेगी जब तक अधिकार बराबर नहीं होगा जब तक समता समानता नहीं मिलेगी जब तक बंधुत्व नहीं लागू होगा तब तक इस देश में हमारा भला नहीं हो सकता। तो साहब काशीराम सामाजिक परिवर्तन का एक आंदोलन चलाते थे और उसके साथ आर्थिक मुक्ति का आंदोलन चलाते थे। उनका मानना यह था कि कमजोर ताकतवर में कभी बराबरी नहीं होती कमजोर और ताकतवर में कभी समझौता नहीं था तो पहले हमें आर्थिक रूप से मजबूत बनना पड़ेगा। तो उस मिशन से जुड़ी हुई कुछ चीजें मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं फिर दोबारा मुलाकात होगी। आज सब कुछ कह दूंगा तो तुम्हारे याद ही नहीं रहेगा कि भैया क्या कह रहे बड़े गौर से सुनना। सामाजिक परिवर्तन के सामने 5 सूत्र दिए। पहला आत्मसम्मान के लिए संघर्ष करो। क्या दिया पहला ये कान तक आवाज आनी चाहिए वरना माइक बंद कर दो। आत्मसम्मान के लिए संघर्ष करो। मैं चाहता हूं तुम्हारे दिमाग में छप जाए कि बाबा साहब और साहब का श्रीराम क्या चाहते थे उनका सपना क्या है कि आत्मसम्मान के लिए संघर्ष करो। स्वाधीनता के लिए संघर्ष करो। क्या चाहते थे साहब स्वाधीनता के लिए संघर्ष करो। समानता के लिए संघर्ष करो। क्या चाहते थे साहब समानता के लिए संघर्ष करो। और बिखरे हुए समाज में भाईचारा स्थापित करने के लिए और जातिवाद खत्म करने के लिए संघर्ष करो। क्या चाहते थे साहब बिखरे हुए समाज में भाईचारा स्थापित करना और जाति को खत्म करना क्योंकि वो ये समझ गए थे कि अगर देश में विनाश की कोई जड़ है और हम लोग कमजोर हैं तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है जाति में जाति को खत्म करना पड़ेगा। और पांचवा और सबसे जरूरी अस्पृश्यता अन्याय अत्याचार और आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष करना ये साहब काशीराम का 5 सूत्रीय कार्यक्रम था जो अपने आप को मिशन दिया। और बहुत बड़े बड़े विद्वान कहते हैं जब मैं पूछता हूं तो कहते हैं ये तो हमें पता ही नहीं था। मैं किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूं मैं तो कह रहा हूं कि तुम्हें क्या करना है ये तुम्हें जानकारी होनी चाहिए बस खत्म। मैं एक अच्छा वक्ता नहीं हूं लेकिन एक अच्छा टीचर हूं जो ये कहता हूं कि मैं ज्ञान का सागर हूं कभी बैठना मैं बताऊंगा। मैं 16 महीने जेल काट के आया और एक एक दिन मैंने एक एक रात ये समझ लिया याद करके काटी कि जिस दिन मुझे मौका मिलेगा मैं अपने समाज को तैयार करूंगा और वो मिसाल पेश करूंगा। इतिहास लिख हुआ बाबा साहब हमें कह के गए कि जो कौन अपना इतिहास नहीं जानती वो इतिहास नहीं लिख सकती तो मैं ध्यान लिखूंगा और ये साबित करके रहूंगा कि हम गुलाम पैदा हुए थे लेकिन हम गुलाम बनेंगे नहीं। तो मेरी छोटी सी बात इतनी सी है कि मैं यहां आया
मुझे सिर्फ इतना ही आता है कि मैं अपने समाज को आगे बढ़ता देखना चाहता हूं, मैं अपने समाज को जो हक अधिकार संविधान मिले हैं वो चाहता हूं कि उनको मिल जाए, और उसके लिए मैं पुरजोर संघर्ष करूंगा, और कोई मेरे ऊपर कितने आरोप लगा ले मुझे फर्क नहीं पड़ता, उनकी मजबूरियां हो सकती है, मैं एजेंट हूं बाबा साहब का, साहब काजीराम का, अपने समाज का। मैं एक कहानी तुम्हें बता देता हूं, पुराने लोग जानते होंगे, साहब इंटरव्यू में बैठे थे आपकी अदालत में, कभी सुनना अभी भी है इंटरव्यू, आपकी अदालत में साहब इंटरव्यू में बैठे हुए थे, तो आपकी अदालत के अंकल ने पूछा कि यार काशीराम जी बताओ आप कभी बीजेपी से समझौता करते हो, कभी कांग्रेस से करते हो, कभी किसी और से करते हो, अब किससे समझौता करोगे? तो साहब ने कहा कि कोई और दल बच रहा तो मुझे बता देना, उससे समझौता कर लूंगा, लेकिन जिस काम से मेरे समाज का भला होगा मैं जरूर करूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कहता है, मैं अपने समाज के लिए बनाऊ तो अपने समाज के भले के लिए सारे काम करूंगा। तो साहब काजीराम ने मुझे सिखाया कि चाहे रास्ता कोई भी हो लेकिन अपने लोगों का भला होना चाहिए। तो बड़े गौर से जान लो कि देश का संविधान ही तुम्हारा वजूद है, इस बार तुम्हारा संविधान खतरा है, तो संविधान विरोधी ताकतों को भाजपा को मिट्टी में मिला दो, दबल कर दो, एक एक वीट एक एक सीट पे जो है उनकी जमानत के जब्त आगे बता दो कि अब हम सांप्रदायिक ताकतों को, संघ की ताकतों को, संघ की नीति को आगे नहीं बढ़ने देंगे। अगर ऐसा करने में तुम विफल रहे तो याद रखना कि वो दिन दूर नहीं जब गले में हांडिया और कमर में पंठे बदने देर नहीं लगेगी, क्योंकि अगर आज मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आप लोग यहाँ बैठे हैं, ये माइक यहाँ सजा हुआ, किताबें हम लोग पढ़ रहे हैं, ये कुर्सियां यहाँ लगी है, बहने यहाँ सम्मान से बैठी है, और अगर आप अधिकारी कर्मचारी, अगर आप एमपी और एमएलए बन रहे हैं, तो ये बाबा साहब की देन है और संविधान की देन है, जिस संविधान में आपको अधिकार मिले, तो इस संविधान की सुरक्षा करना भी आप लोगों की जिम्मेदारी है। तो आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में मुकाम आता है, और बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनका खून जिनका जिसम जिसम के काम आता, पवन भाई को और पूरे सभी क्रांतिकारियों को मेरा नीला सलाम और जय भीम। मैं कुछ शायरी भी कहता हूं, राजमहलों से खंडरों का रास्ता हो जाएगा, राजमहलों से खंडरों का रास्ता हो जाएगा, हम अंबेडकरवादियों से जो उलझेगा फना हो जाएगा, हम दरिया है हमें मालूम है उन्हें उठना अपना, जिस ओर चल निकलेंगे रास्ता हो जाएगा, हमें ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, बाबा साहब के बच्चे अपने रास्ते को भी जानते हैं, अधिकारों को भी जानते हैं, स्वाभिमान संघर्ष को भी जानते हैं, और हमारे लोगों ने त्याग करके, मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि मिशन चले तो त्याग करना सीखिए, सबसे पहले बाबा साहब के जो तीन नारे थे, शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष करें के साथ एक नारा और जोड़िए कि स्वाभिमानी बनिए, अपने स्वाभिमान किसी भी कीमत पर बिकने मत दीजिए, अगर टूटने वाला होता बिकने वाला होता चंद्रशेखर तो जेल में बिक जाता, 16 महीने जैसे जैसे मैंने गुजारे, मैं जानता हूं, इस सरकार को बता देना चाहता हूं कि न तुम्हारी राजसभा से डरता हूं, न तुम्हारे मुकदमे डरता हूं, आज भी 57 मुकदमे लेके फिर भी पूरे जोर से दहाड़ता हूं, और न तुम्हारी फांसी में डरूंगा, तुम पे जो कुछ दबाव दिया जाता है अंबेडकरवादियों पे देखे देखो तुम्हें जवाब भी देंगे, और ईट का जवाब पत्थर देना जानते नहीं हम लोग, लेकिन ये जान लो कि मैं अकेला इस लड़ाई को नहीं लड़ सकता हूं, मुझे आप लोगों की जरूरत है। जब बाबा साहब चिल्ला रहे थे, बाबा साहब बार बार ये कह रहे थे एकजुट हो जाओ अपने अधिकारों को ले लो, तो आप लोग थोड़े देर पीछे रहे, सहयोग नहीं कर पाए, तो बाबा साहब सफल नहीं हो पाए। फिर साहब का आश्रम, ये तो राजस्थान में, छत्तीसगढ़ गया तो उन्होंने बताया मुझे कि कोई गली कोई घर ऐसा नहीं जहां साहब का आश्रम ना गुजरे हो, जाओ ना बैठे हो। तो हमारे रायबर ने बहुत बहुत संघर्ष किया, 13 साल के संघर्ष में बहुजन समाज पार्टी को देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बना दी, मनुवादियों के बीच में अपना ठंडा ठंडा दोनों गाड़ दिए। आज मैं नौजवान से कहना चाहता हूं एक बार फिर आपके समय पूरी महेंद्र के भीम आर्मी साहब के सामाजिक परिवर्तन आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को लड़ रही है, इसमें नौजवानों की मदद कीजिए, अपने भाइयों की मदद कीजिए, उनको ऊर्जा दीजिए, उनकी आर्थिक मदद कीजिए, जिससे कि इस लड़ाई को मजबूत लड़ा जा सके। यहाँ के आयोजक कमेटी को, जिन साथियों ने प्रोग्राम कराए, इतनी मेहनत की, उन सबको, भीम आर्मी के जो प्रदेश सचिव हैं, राजस्थान के अनिल देनवाल भाई को, सत्यवान मेहरा जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, रामदेव बेरवाल जो संभाग प्रभारी हैं, मुकेश चोपड़ा जिला अध्यक्ष हैं, जोगेंद्र सिंह जिला अध्यक्ष हैं गंगानगर के, सरवण जी,
एडवोकेट दयाल भाटी जी, जेला राम जी जो पवन भाई के पिताजी हैं, सुमन जी मेघवाल महिला विंग अध्यक्ष है बीमार की, कविता बोर्ड जी, रोहिता धानका जी, बलदेव सिंह नेगड़ जी, पवन जी, नत्थू जी, भगीरथ बारह पहले, सोनू गुरशेर जी, जय सिंह जी, अयूब खान जी, दीपक वाल्मीकि जी, पवन बोध जी, दूली चंद जी, एडवोकेट अमर जी, अमर सिंह जी नायक जी, संजय बारूमल जी, ओम प्रकाश जी, संजय पवार जी, एडवोकेट सुरेंद्र सिंह नायक जी, अमित जी कालना, राजकुमार जी, शैलेंद्र जी, सुरेंद्र निराला जी, अर्जुन सिंह जी, और मेरे साथ आए डॉक्टर दयाल सिंह जी, भाई रविंद्र भाटी जी, संजय हरित जी, राजेश फौजी जी, संजय भाई और भीम आर्मी के क्रांतिकारी, और मेरी दाहिनी बाजू भाई भीम आर्मी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव कमल सिंह वालिया जी और अन्य साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नीला सलाम। उम्मीद है पूरी ईमानदार से बहुजन समाज के युवा इस लड़ाई को लड़ेंगे, हमारे बुजुर्गों ने आशीर्वाद देंगे, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय भीम आर्मी आप लोगों के बीच से जाने के लिए चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ मेरी गैर मौजूदगी में भीम आर्मी की टीम जो यहाँ काम कर रही है आप उनके हाथ मजबूत करने का काम करोगे, मान सम्मान स्वाभिमान में उनके साथ रहोगे। जय भीम आर्मी। वो स्वागत वाले भाई आ जाओ तलवार लेके, बीच में कहा आ जाना जब टेम्परेचर गर्म सा होगा। भाई पहले तलवार ले लूँ इनकी, देखो तलवार की बहुत जरूरत है। देखो ये तो तुम दे रहे हो, मुझे दे। जय भीम, जय भीम, अंदर से कहता जिंदाबाद, जिंदाबाद, चाचा चाचा, जय भीम, जय भीम, जय भीम, भाई चंद्र से कहता संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी तो लड़ाई संवैधानिक तौर पे लड़ी जा रही है, लेकिन अगर संविधान की सुरक्षा में बाधा उत्पन्न हुई, संविधान को खतरा हुआ, तो याद रखना इसे उठने में समय नहीं लगेगा। हमारी जिम्मेदारी संविधान की सुरक्षा है, चाहे शांति से हो चाहे क्रांति से हो। हमने पहले ही बलिदान दिया, 2 अप्रैल को आगे भी दे देंगे, लेकिन मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई को पीछे नहीं देंगे। जय भीम, जय भीम। हमारे बीच में 50 की बीमार की टीम पहुंची हुई है, संविधान की पिटी, संविधान की पट्टी, पंक्ति के पिताजी हो रहे हैं।